नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्थ दर्शन चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें। दमे का दौरा पड़ने पर श्वास नली प्रभावित होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। दौरे पड़ने से श्वास नली में तनाव हो जाता है, श्वास नली की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और नली तंग हो जाती है। इस कारण वायु फेफड़ों से निकलने या उसमें प्रवेश के समय कष्ट होता है, उसमें श्लेष्मा पैदा हो जाने से श्वास लेने में और अधिक कठिनाई होती है। अस्थमा रोग होने के कारण। दमे का पहला आक्रमण फेफड़ों में संक्रमण से होता है। कीटाणुओं, खाद्य वस्तुओं तथा घर में किसी कारण से एलर्जी के कारण भी दमा हो जाता है। भावनात्मक कारणों से तथा मौसम के बदलने पर भी दमा हो जाता है। अस्थमा रोग के लक्षण। दमा के लक्षणों में श्वास नली से सीटी की सी आवाज और कई बार खांसी भी आती है। नाड़ी की स्पंदन गति बढ़ जाती है। सांस लेने में कठिनाई होने के कारण दौरे के समय रोगी को बोलने में भी कठिनाई होती है। अस्थमा रोग का उपचार। दमे के रोगी प्रायः दौरा पड़ने पर इनहेलर का प्रयोग करते हैं अथवा ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिनसे श्वास नली खुल जाए और सांस लेने में आसानी हो। दमा बच्चों को भी हो जाता है। तुलसी के कुछ पत्ते अच्छी तरह धोकर पेस्ट सा बना ले। इसे शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों को बहुत लाभ होता है। रोगी बच्चे को दही, उड़द की दाल, गोभी, तेल, मिर्चों के खाद्य तथा अधिक मसालों का सेवन न कराएं। रोगी बच्चे को प्रतिदिन सुबह शाम पार्क में घुमाने ले जाएं। मानसिक रूप से भी बच्चे की रोग के प्रति चिंतित न होने दें, क्योंकि चिंता से श्वास रोग अधिक तीव्र होता है।